भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जा रहा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का बेहतरीन मुकाबला एक ड्रामेटिक मोड पर अब नजर आ रहा है। भले ही मैच में ज्यादा वक्त ना बचा हो, लेकिन भारत के गेंदबाज एक बार फिर सभी की तारीफ के काबिल दिख रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि आज न्यूजीलैंड ने 111 पर 2 से आगे खेलना शुरू किया, लेकिन शुरुआत में मोहम्मद शमी और उसके बाद ईशांत शर्मा अपनी जबरदस्त लय में आए और उन्होंने अपनी लय से एक बार फिर सभी का दिल जीत लिया। आपको बता दें कि इसी के साथ ही न्यूजीलैंड को चौथा बड़ा झटका लग गया है और इसी झटके के साथ अब न्यूजीलैंड की टीम बैकफुट पर नजर आ रही है। रोहित शर्मा ने एक बेहतरीन कैच लपका, जिसकी बदौलत अब ये देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से भारतीय टीम क्या आज के मुकाबले में बाउंस बैक करती है। हालांकि अगर भारत न्यूजीलैंड को 200 के अंदर समेटता है तो अभी भी भारत के चांसेस इस मुकाबले में बेहद शानदार तरीके से बन जाएंगे। हेनरी निकल्स का विकेट यहां पर ईशांत शर्मा ने चटकाया है। खास बात यह है कि रोहित शर्मा ने जिस तरीके का विकेट दिलाया है आज ईशांत शर्मा को, वो भी वाकई काबिल-ए-तारीफ है। अक्सर रोहित शर्मा की फील्डिंग को लेकर चर्चाएं होती रहती हैं और आज एक बार फिर उन्होंने अपनी फील्डिंग से सभी का दिल जीत कर मंत्रमुग्ध कर दिया है। बड़ी बात यह है कि भारतीय टीम ने जिस तरीके से इस मुकाबले में अभी तक प्रदर्शन किया है, चाहे वो बल्ले से हो या गेंद से हो, बेहद शानदार रहा है। शायद यही वजह है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का ये फाइनल मुकाबला इस तरीके के एंड का एक मोहताज नहीं था। सवाल ICC पर भी उठ रहे हैं कि इस तरीके के जब मुकाबले होते हैं तो क्या ये इंग्लैंड में कराने ज़रूरी है। केविन पीटरसन ने खुद इस तरीके के सवाल उठाए हैं। अब ये देखना होगा कि किस तरीके से भारतीय टीम इस मुकाबले को अप्रोच करती है। ANP न्यूज़ रूम के लिए।